नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीलीभीत में बीते कई दिनों पहले जमीन के विवाद की रंजिश के चलते गांव के कुछ दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला की हालत बिगड़ गई और उसके गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे परिवार के लोगों को लगातार धमकियां भी मिल रही हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। और गांव के दो चार ये लोग हैं जिनका नाम मैंने लिख कर दिया है थाने में, इन्होंने मारपीट की और उस बदतमीजी के साथ मेरी घरवाली को उन्हें मारा पीटा, उसके इनको गुल्ला टूट गया। मैं थाने में इसको लेके गया, पुलिस आई, डॉक्टर कराई और मेरे को अभी कोई हंस बात रिपोर्ट वापस नहीं मिली है और ना मेरी सुनवाई। दूसरी पक्ष को बुला करके और मुझे बुलाया, इस तरह का भी कंप्रोमाइज की बात रखी, लेकिन वहाँ पर उन्हीं के लोग थे, गांव के अन्य जाति लोग नहीं थे। बुलंदशहर के शिकारपुर में स्थित बालाजी अस्पताल में लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों का कहना है कि हमने अपनी बेटी को बालाजी सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में डिलीवरी के लिए सही सलामत भर्ती कराया था और बच्चा भी हुआ, उसके बाद डॉक्टर से लापरवाही हुई और रखरखाव सही ना होने के कारण बच्चे की और उसकी मां की मौत हो गई है। परिजनों ने प्रशासन से अस्पताल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर के उस्मानपुर क्षेत्र के गंदे नाले में अज्ञात नवजात शिशु का शव पड़ा मिला। मामले की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं हरदोई में गेहूं की फसल की बुआई का काम इस समय तेजी पर है और ऐसे में किसानों के सामने खाद का संकट पैदा हो गया है। केंद्रों पर इस समय डीएपी खाद के लिए महामारी हो रही है। किसानों को एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगकर धक्का मुक्की करनी पड़ती है, बावजूद इसके डीएपी नहीं मिल पा रही। वहीं कृषि अधिकारी ने दावा किया है कि 1,27,000 से ज्यादा किसानों को 14,000 मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है, लेकिन केंद्रों पर लंबी लाइन और धक्का मुक्की व्यवस्था की पोल खोल रही है। दो तीन दिन से लगातार आ रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही, ब्लैक हो रही है। क्या बताया जा रहा है? बताया क्या, खाद ही नहीं मिल पा रही, बताया क्या, यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता है। हरदोई में खाद की स्थिति लगातार वितरण कराया जा रहा है। लगभग हमने 14,000 मीट्रिक टन और 1,27,650 किसान को हमने सफलतापूर्वक डीएपी खाद उपलब्ध करा दी है। आज का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 3400 मीट्रिक टन है। शीघ्र ही दो रैक डीएपी की आने वाली हैं, पारादीप उड़ीसा से एक रैक इफको की और एक रैक पीपीएल की जनपद में आ जाएगी। बुलंदशहर में स्थित काली नदी के किनारे पड़े कूड़े में भीषण आग लग गई, जिसके बाद नगर पालिका कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में नगर पालिका ईओ और अन्य स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, वहीं पालिका कर्मी भी इसमें हाथ बटाते रहे, लेकिन आग पर काबू ना पाने पर ईओ ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बलरामपुर में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से सारा काला कारोबार चल रहा है। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने खनन माफियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाने को कहा, लेकिन अब तो हाल ये है कि अवैध खनन का काम सुबह से शुरू हो गया है। वहीं खनन और पुलिस विभाग खानापूर्ति कर रही है। बुलंदशहर में दिनदहाड़े हथियारबंद लुटेरों ने लूट के बाद सारपा व्यापारी को गोली मार दी। गोली लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बुलंदशहर नगर के काली धमेड़ा बस अड्डे के पास अज्ञात हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम गोलीकांड को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर मुख्य मार्गों की नाकाबंदी का चेकिंग अभियान चलाकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं घायल सारपा व्यापारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मोहाली नगर में नवेरा अड्डा पड़ता है, यहाँ पे एक दुकान है जिसमें कि मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग आए थे और उन्होंने अंदर फायरिंग की है, जिसमें जो यहाँ बैठे हुए यहाँ के व्यापारी थे उनके गोली लगी है, उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है, उनका उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह हम लोग को मिला है जिससे कि कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी 7 टीमें इस पर लगा दी गई हैं, जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। और सर, आरोपी ने गोली मारने के साथ साथ लूट भी की है क्या? अभी जो इन्होंने बताया है कि सामने दो डब्बे रखे हुए थे वो लेके गए हैं, और डिटेल्स और अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार अग्रमित कर रहे हैं। बुलंदशहर के गुलाबठी गांव कुरनी में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका के भाई ने बताया कि बहन की शादी 14 साल पहले कुरनी गांव के रिंकू के साथ हुई थी। साथ ही परिजनों का कहना है कि मृतका के पति का रेखा नाम की लड़की से अवैध संबंध था, जिसको लेकर महिला के मना करने पर भी उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है, उल्टा उन्हें ही धमका रही है। बरेली में धूमधाम से श्याम खाटू बाबा के जन्मदिन का आयोजन किया गया। वहीं भक्त खाटू श्याम की भक्ति में झूमते गाते जयकारे लगाते नजर आए। सुबह से ही खाटू श्याम भक्तों का मंदिर आना प्रारंभ हो गया। बहुत बड़ी संख्या में भक्त खाटू श्याम का निशान लेकर पैदल ही कई किलोमीटर तक की यात्रा तय कर मंदिरों तक पहुंचे। मुरादाबाद के थाना क्षेत्र मोडापाने में लगने वाले ग्राम पंचायत भीतखेड़ा में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक मृतक की शादी 2 साल पहले रुद्रपुर निवासी संध्या और कंचन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। वहीं मृतक के पास से 10 महीने का एक बच्चा भी है। वहीं बीते 4 महीने से मृतक अपने ससुराल में रह रहा था। परिजनों ने बताया कि मृतक से शाम को बात हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने तालाब किनारे खुदकुशी कर ली। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले छानबीन में जुट गई है। केराना से सपा विधायक नाहिद हसन कोर्ट में पेश किए गए। नाहिद हसन पर सरसावा में जाम लगाने पर मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही नाहिद हसन को चित्रकूट जेल से सहारनपुर कोर्ट में लाया गया। मथुरा में होटल वृंदावन गार्डन अग्निकांड के बाद पुलिस ने होटल को सील कर दिया। साथ ही होटल मालिक के खिलाफ थाना वृंदावन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि होटल संचालक के पास एनओसी नहीं थी। आपको बता दें कि मथुरा के होटल वृंदावन गार्डन में 100 लोगों से ज्यादा श्रद्धालु ठहरे हुए थे। वहीं आग लगने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के थाना टूंडला के चौकी लाइन पार के गांव बड़े कुआं के पास रेलवे क्रॉसिंग की है, जहां करीब 12 बजे नाहर सिंह अपने घर से पहले 61,000 रख कर जमा करने जा रहा था। वो गांव बड़े कुआं के पास बने रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा ही था, तभी पल्सर सवार 3 बदमाशों ने दहाड़े नाहर सिंह को रोक कर तमंचे की नोक पर उसे रुपयों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घर से पैसे लेके आ रहा था सर, मैं कहा था कि यहाँ पर बाइक पर 3 लोग थे, उन्होंने मेरी बाइक रुकवा देने पैसे का थैला ले लिया और लेके चले गए, उन्होंने तमंचा लगा दिया। सीतापुर कोतवाली देहात की चौकी श्याम होली में तैनात पुलिसकर्मियों ने चमन नाम के युवक को पकड़कर चौकी में बंद कर दिया। पुलिसकर्मियों ने माना था कि सारी हदें पार कर युवक को बारी बारी से पीटा है। पिटा ही नहीं बल्कि युवक के बालों को भी पुलिस ने काट दिया और कई तरह की उसके साथ हरकतें की हैं, और पुलिस की पिटाई से युवक की आंत फ्रैक्चर हो गई है। तो वहीं युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये सब पुलिस की 3rd डिग्री की वजह से हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश भी है। कुछ लड़के तो थे चमन और उनके 3 साथी, लड़के बाहर अपने लूडो खेले थे मोबाइल वाला, जो अटैकना होता है। तो राहुल जो चौकी मतलब अपने पहले थे, अब नहीं जो आप चौकी में, तो आके उनको सबको पकड़ लाया गया। उनके 3 साथी और थे, अजय मिश्रा जी थे और वीरेंद्र सोनकर जी थे। वीरेंद्र सोनकर ने बहुत मारा, बाल बाल काट दिए,
बाल जब काट दिए उनके तो बहुत मारा पीटा उसको, यहाँ लेकर थाने से मुचलके पे छोड़ दिए। फिर जो उसे दर्द उठी उसी दिन तो मोतीपुर ले गए अस्पताल है, वहाँ पर उसे जाँच कराया, एक्सरे उसकी आप पेंशन लगी, फिर जिला अस्पताल लाया, जिला अस्पताल से रेफर कर दिया। देखिए इस संबंध में आज ही मुझे सूचना मिला कि 27 तारीख को तुषार मोहली चौकी क्षेत्र की आरक्षियों द्वारा कुछ व्यक्तियों को लाया गया था पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उन पर जुरैक्ट के तहत धारा तक कार्रवाई की गई थी। बहरहाल जो आरोप है मारपीट का उस संबंध में मुझे जाँच प्राप्त हुआ है, मैं सिविल जाँच करके यथास्थिति से सबको अवगत कराऊँगा। लक्ष्मण झूला के केदार सिंह भंडारी मामले में कोर्ट के आदेश पर लक्ष्मण झूला के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह, तपोवन चौकी प्रभारी आशीष कुमार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने विवेचना भी शुरू कर दी है। बता दें कि केदार सिंह भंडारी मामले की जांच फिलहाल DIG गढ़वाल रेंज कर रहे हैं। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल के एडिशनल SP भी इस मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारी को भेज चुके हैं। काशीपुर में गुंडेश्वरी रोड स्थित एक होटल के प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का काशीपुर पहुंचने पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत कार्यकर्ताओं से मिलने काशीपुर आए थे। प्रेस वार्ता करते हुए हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। आपराधिक किस्म के लोग अपने बिलों में से निकलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हर तरफ सिर्फ त्राहीमाम मचा हुआ है। में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है, इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। आप यदि पुलिस का उपयोग करेंगे तो फिर पुलिस कानून व्यवस्था के पालन में हमेशा लचर साबित होगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।